नमस्कार साथियों पार्लियामेंट का विशेष सत्र अभी खत्म हुआ है और इस विशेष सत्र में जो मुद्दे आए हैं उस पर राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे उसके बाद कुछ सवाल लेंगे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सवाल सिर्फ विशेष सत्र तक ही सीमित रखा जाए राहुल गांधी जी थैंक यू जयराम जी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैन फेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है स्पेक्युलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है उसके बाद ये दो क्लोजेज इसमें दो फुट हमें मिले एक की महिला आरक्षण करने से पहले महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है 33 परसेंट आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने यह देश के सामने रख दिया है मगर रियलिटी यह है कि इंप्लीमेंट आज से दस साल बाद होगा यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से यह डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है डायवर्जन टैक्टिक है डायवर्जन किस चीज से हो रहा है डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है कोर है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं ओबीसी हिंदुस्तान के पांच परसेंट बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं ओबीसी प्राइड की बात करते हैं मगर ओबीसी के लिए किया क्या अब जब मैंने ये बात बोली उनका रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं फाइव परसेंट ओबीसी निर्णय ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी पांच परसेंट है ये मैं जानना चाहता हूं अगर पांच परसेंट है तो फिर वो ठीक है उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं मगर अगर वो पांच परसेंट से ज्यादा है तो मुझे ये पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं मुझे यह पता लगाना है यह ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजिए बिल्कुल नहीं ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में ना बीजेपी का एमपी ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं मगर पावर बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हां या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी पांच परसेंट है हां या ना यह सवाल है और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को यह जो दो पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले डिलिमिटेशन और सेंसस इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागीदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दें और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें थैंक यू एक 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 करके और और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में ये कहना है ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी नब्बे अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ तीन ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी अंग्रेजी में क्या देता हूं द बीजेपी केम अपडिया ऑफ अ स्पेशल सेशन We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today. It's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. So, this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. A question is what are they moving away from? And the answer is the caste census. And I'd like to explain why. In my research for my speech, I looked at how many officers in the government of India, the senior most officers are secretaries. How many secretaries in the government of India come from the OBC community? How many come from the Dalit community? How many come from the tribal community? And I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India, sorry, three officers. In the government of India, secretary level are OBC first, and then I asked another question: What budget do they control? And they control five percent of the budget. OBCs, Dalits, tribals—all put together—control six percent of the budget. Tribals control point one something of the budget. So this is a shocking finding. And I said this in Parliament. My point being that are the OBCs 5% of India? Is that the amount of participation we want of the OBC community? So the central question is how many OBCs are there in India? How many different communities are there in India? If we want to distribute power to the people of India, we have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the house and I said, Look, please tell us how many OBCs. We have the data. I know because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now. And the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there's no participation. So, it is almost as if they keep placing these OBC MPs into the Vidhan Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side. And as the Prime Minister keeps saying he's an OBC leader, I want him to explain why only three OBCs are there in the government of India and why the OBC community, which is the backbone of this country, is responsible for only 5% of the budget. They have not been able to answer this question. In fact, when I said it, I saw in their face the panic. Because this is the truth, this is what they are trying to distract India from. The fact that the large mass of Indian people do not have any power. <laughs> नहीं नहीं काम कर रहा हेलो राहुल जी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये रिजर्वेशन आज से नहीं जब से ये अस्तित्व में आया आपने पेंडोरा बॉक्स एक तरह से उसको टच कर दिया आप कल ये बात कह चुके अपनी स्पीच में कि भाई ये दो सरकार तो नहीं दे रही सरकार ने तो पास करा दिया बिल अब सवाल उठता है आपका क्या आप आगे चल के सरकार में भी जैसे सेक्रेटरीज हैं सरकार में भी और महिला आरक्षण में भी ओ के लिए अलग से व्यवस्था करने वाले देखिए सिंपल बात स्टेप बाय स्टेप करना है आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहा कहां है हड्डी कहां टूटी मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग ओबीसी कितने हैं अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं ट्राइबल्स कितने ये पहले टेबल पे तो रखो डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे वो तो आपने बाद की बात की मगर पहले हमारे सामने डेटा रखो डेटा रखोगे मैं आपका जवाब दे दूंगा आज तो डेटा ही नहीं है दूसरी बात मैंने अपने भाषण में कहा कि आजादी की जो मूवमेंट थी वो एक शुरुआत थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था उसके बाद हमने और कदम लिए हैं कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है मैं कह कि हिंदुस्तान के जो ओबीसी हैं, दलित हैं ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है उनके हाथों में पावर डालनी है फाउंडेशन वो है और कास्ट सेंसस की जरूरत है क्योंकि उसको हमें समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते हाँ को देखो हमारे समय जितने भी थे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे समय कम था वो भी खराब है इनके समय कम था कम है ये भी खराब है हम चेंज चाहते हैं ठीक है थीके? मेरा कहना है कि जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 सेक्रेटरीज में से तीन ओबीसी के हैं मैं मैं एक शौक हो गया मैं हैरान हो गया ये क्या हो रहा है और इसको बदलना है हिंदुस्तान के जो आम जनता है गरीब जनता है उनको पावर देनी है राहुल जी यू जस्ट सेट दैट यू वांट दैट द पावर शुड बी ट्रांसफर टू वेमेन एंड ओबीसी बैकवर्ड यू नो दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग पावर The prime minister has said that this bill will lead to an era of women-led development. Do you feel that, in the present form, this bill will be able to achieve this goal? No, Considering that it is yeah, not the, being the implemented problem, now, the problem, is, the problem is the implementation. So what they have said is, we are placing a bill on the floor of the house, but we will implement it ten years from now. What does that mean? That's like the prime minister saying, you know, we are going to place. Uh, a bill on OBC caste census in the uh, in the floor of the house and we are going to do it in thirty years. What does it mean? Means nothing. So we agree with the bill. Remove these two clauses and make it happen today. And don't insult the intelligence of India's women. Because India's women understand what you're doing. I'm uh, Rahul because about special session. बहुत शॉकिंग एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें रमेश पिदूरी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में एक स्पीच दे रहे हैं जिसमें वो दानिश अली साहब को ऑन रिकॉर्ड मतलब माइक पे आतंकवादी कहते हैं मुल्ला कहते हैं और कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते तो इस तरह का व्यवहार जब संसद के भीतर हो रहा है किस तरह से आप इसको देखते हैं देखिए वो और दूसरा पार्लियामेंट पार्लियामेंट की का इशू है उसमें मैं ये ये स्पीकर का जिम्मेदारी है और यह पार्लियामेंट्रीस मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ राहुल जी आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं एक तो देरी का दूसरा ओबीसी के कोटे की मांग कर रहे हैं सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो यह कानून शायद दस साल पहले बन जाता तो यह जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की क्योंकि आप विपक्ष में जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा actually, क्यों नहीं था और actually, क्या इसका आपको रिग्रेट है अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने हंड्रेड परसेंट रिग्रेट है हंड्रेड परसेंट रिग्रेट है वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके छोड़ेंगे राहुल राहुल जी मिनट mr. gandhi, what has changed since 2010 to now that you have shifted your stance on obc subjects? We, we have not shifted our stance. Uh, you are uh, maybe not well informed. Our, uh, we are the party that did the caste census. we carried out an entire census, getting caste data. we didn't release it at the time. there was a discussion, internal discussion. we should have released it at the time. And it should be released now. There is no change in our uh, view on this. Yes, I see. Sorry. Uh, so there was near unanimity in the passage of the bills. Uh, do you think that uh, a wider consultation process should have been followed uh, before bringing the uh, bill uh, in the special session? We are we are okay with the bill. We have supported the bill. Right. Please understand the technicality. we are in full support of the bill we don't agree with the two little footnotes that have been put in the bill that basically mean that the bill is going to be implemented 10 years from today we support the bill everybody there is nobody in the house who didn't support the bill राहुल जी मेरा सवाल यह है कि जब भी आप कोई इशू उठाते हैं तो आप लोग खासतौर पे राहुल आप राहुल जी आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर और आपकी पुरानी सरकार के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाता है आप, है। आपने का मुद्दा ए, आप तो बेहतर होता है आखिर सरकार की क्या मंशा है छह महीने के बाद लोकसभा चुनाव है पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है सरकार की क्या मंशा है कि ऐसे वक्त में बिल लाया गया पास करा लिया गया डिलिमिटेशन और परसिम की कोई बात नहीं हुई नहीं मुझे जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि यह एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है और दो मुद्दों से बीजेपी घबराती है डिस्ट्रैक्ट कराना चाहती है और ये रिलेटेड है एक है अदानी जी जो देश का पूरा धन अपने हाथों में कंसंट्रेट कर रहे हैं और दूसरा सेंसस तो ये रिलेटेड चीजें हैं और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूं जैसे यूं दबाता हूं बीजेपी एकदम जंप करती है तो क्यों करती है क्योंकि वो जो ओबीसी कम्युनिटी है सचमुच सचमुच में उनको पावर नहीं देना चाहती है और वो पावर अदानी जीत के हाथ में कंसंट्रेट करना चाहती है राहुल जी आपसे आपसे सवाल ये है क्योंकि जब आपने लोकसभा में भाषण दिया आपने नब्बे में से तीन सेक्रेटरी और ओबीसी के जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके हालात के बारे में बात करी अगर 2024 में इंडिया ब्लॉक जो आपका बना है वो पावर में आता है तो क्या इन चीज़ों को आप जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आपके भाषण के बाद से साफ लग रहा है कि ओबीसी बी काट इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी खेल रही है ये, तो अगर पाप में आते हैं तो आप या सबसे पहले ये, ये देखिए ये ये वो कार्ड की बात करते हैं कार्ड के बारे में सोचते हैं मैं कार्ड के बारे में ही सोचता हूं मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको एम्पावर करना चाहता हूं और अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं बट लोग कहते हैं पचास परसेंट तक हो सकते हैं जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की पचास परसेंट आबादी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में तीन लोग हैं नब्बे में से तीन और वो पांच परसेंट बजट को कंट्रोल करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है इरिटेशन होती है इस देश में हो क्या रहा है एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशन पकड़ा हैं नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में सरकार को चलाने में कोई जगह नहीं देते हैं दबा के निकाल देते हैं तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हमने वहां पे कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी पांच गारंटीज लागू हो जाएंगी यहां भी मैं कह रहा हूं हमारी सरकार आएगी का सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं दलित भाई कितने हैं और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी यह मैं आपको कह रहा हूं यह छोटी प्रोसेस नहीं होगी एक दिन में नहीं होगा मगर नियत समझिए आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अमित शाह जी ने कहा कि हमने ओबीसी को विधानसभा में लोकसभा में डाला है आप मुझे बता, बता दीजिए कानून बनाने में बजट में उनकी क्या भागीदारी है? पहले पचास साठ साल पहले डिबेट्स होती थी एमपीज का रोल होता था एमपी कानून बनाते थे हमारी पार्टी में भी एम को हम रोल देते हैं उनसे बातचीत करते हैं नारेगा में इन्वॉल्व करते हैं आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए विधानसभा में किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए सरकार चलाने में उनकी क्या भागीदारी है जवाब देंगे हमारा कोई रोल नहीं है ये जो मैंने मूर्ति की एनालिजी आपको दी है ये बीजेपी के एमपी ने मुझे लोकसभा पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुलाया कि हमें यहां पे बैठा रखा है हमारा फायदा उठा रहे हैं हमारी कोई भागीदारी नहीं है सरकार को चलाने में थैंक यू